हे गाइस, मैं अमित कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल हब स्टडी पॉइंट में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज का जो वीडियो है यह क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी भारत की जलवायु के संबंध में है कि हमारे भारत की जलवायु जो है किस तरह की पाई जाती है इसके संबंध में है। और कोपेन ने भारतीय जलवायु को कितने वर्गों में बांटा है, कितने वर्गों में जो है इनको बांटा है, वर्गीकृत किया है, तो इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल बात करेंगे। तो बात करते हैं पहले जलवायु और मौसम दो शब्द की। तो एक शब्द आप जानते हैं कि जो क्लाइमेट होता है यानी जलवायु, और एक शब्द होता है मौसम। ठीक, तो ये है आपका क्लाइमेट, जिसे इंग्लिश में हम क्लाइमेट कहते हैं, और मौसम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेदर। वेदर यानी मौसम। तो पहले बात करते हैं मौसम की। मौसम जो है एक अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के मौसम शब्द से मिलकर के ये बना है। ठीक, मौसम जिसे हम बोलते हैं, तो मौसम जो है एक अरबी भाषा का शब्द है और मौसम से ही क्या बना है, मौसम, जिसका मतलब क्या होता है, वेदर। तो वेदर का मतलब यह हो गया कि वेदर, जब भी किसी स्थान की जो वेदर होती है, किसी क्षेत्र की जो वेदर होती है, वह क्षणिक समय होता है। कैसा होता है, क्षणिक समय, यानी लंबे समय तक ये नहीं होता, क्षणिक समय को ही हम क्या कहते हैं, वेदर। यानी किसी स्थान पर वहाँ का जो भी मौसम होगा, ठीक, वो क्षणिक समय होगा, एक दिन का होगा, एक सप्ताह का होगा, यानी बहुत लंबे समय तक का नहीं हो सकता। एक दिन का हो सकता है, एक सप्ताह का हो सकता है, ठीक, एक सप्ताह का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, यानी बहुत लंबे समय तक नहीं, एक महीना। तो उसे यानी क्षणिक समय को ही हम क्या बोलते हैं, मौसम कहते हैं। जबकि जलवायु जो होता है वह दीर्घकालिक होता है। जलवायु यानी जो क्लाइमेट होता है वह दीर्घकालिक होता है। दीर्घकालिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि 30 या इससे अधिक वर्षों के, तो किसी क्षेत्र का अगर कोई क्षेत्र है तो 30 वर्ष या इससे अधिक वर्षों का जो समय लगता है तो उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। यानी वहाँ का जो क्लाइमेट है वह एक जैसा लगातार 30 वर्षों तक या इससे ज़्यादा वर्षों तक वही क्लाइमेट होता है। जैसे अगर हम भारत की जलवायु की अगर हम बात करें तो हमारे भारत की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय, क्योंकि हमारा भारत कहाँ स्थित है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। क्लियर, तो जलवायु और क्लाइमेट में बात समझ में आई। यानी क्षणिक समय का होगा, एक दिन का होगा, आधे समय का होगा, चार घंटे का होगा, एक सप्ताह का होगा, एक महीने का होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मौसम। जबकि जलवायु जो है लंबे समय के लिए होता है, लंबी अवधि के लिए होता है क्लाइमेट। ठीक, तो हमारे जो भारत की जलवायु है, पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत की जलवायु किस तरह की है, कि भारत की जो जलवायु है यह, चूँकि हमारा भारत कहाँ है, आप जानते हैं कि 8 डिग्री यानी 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, यानी हमारा भारत उत्तर में है, और यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है जो कि कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। इसलिए यहाँ पर हमारे भारत के जो दक्षिण वाला भारत है वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, यानी उष्णकटिबंधीय मानसूनी। हमारे हमारा पूरा जो भारत है, हमारे जो भारत के किसान हैं वो ज़्यादातर मानसून पर ही निर्भर रहते हैं, और खेती भी हमारे भारत में ज़्यादातर मानसूनी खेती की जाती है। इसलिए हमारा भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसा है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है हमारी भारत की। तो उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म, कटिबंधीय का मतलब जो कि हमारे भारत के कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है, यानी कह सकते हैं भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में हमारे भारत की स्थित है। यानी इस तरह से एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रकार की हमारे भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो भारत की जलवायु किस तरह की हो गई, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक, मानसूनी का मतलब हमारा भारत जो है मानसून पर भी निर्भर करता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि कोपेन के अनुसार तो जो व्लादिमीर कोपेन है, ठीक, इनका पूरा नाम था व्लादिमीर कोपेन, तो 1936 से 1938 में
इन्होंने पूरे विश्व का जो है क्लाइमेट यानी जलवायु के बारे में इन्होंने हर महाद्वीप देशों के बारे में इन्होंने जलवायु को बांटा है। तो इसी तरह से कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु को 9 भागों में बांटा है, 9 वर्गों में बांटा है। तो एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है, बांटा गया है। तो भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया? 9 वर्गों में बांटा गया। एक क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि कोपेन के अनुसार या कोपेन ने भारत की जलवायु को कितने वर्गों में बांटा है, तो 9 भागों में उन्होंने बांटा है। अब ये जो 9 भाग हैं, अब इसके बारे में हम लोग क्रम से जो है बात करेंगे, तो मैप में ही देखते चलेंगे भारत की जलवायु कहाँ कहाँ किस तरह की पाई जाती है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तक ये जो क्षेत्र फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो रीजन आप देख पा रहे हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं ई, ठीक। किसको किससे प्रदर्शित करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, तो ये आप समझ लें, ठीक है। तो ई का मतलब होता है यहाँ पे, अभी हम सभी का मतलब बताएंगे, ठीक है। तो ये ई का मतलब यहाँ पे क्या है, टुंड्रा तुल्य जलवायु। यहाँ की जलवायु कैसी है, टुंड्रा तुल्य जलवायु। तो जैसे टुंड्रा प्रदेशों में होता है, क्योंकि उत्तर भारत के उत्तर में इधर कौन सा इलाका है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे हिमालय जो है, हिमालय स्थित है, और भारत के उत्तर में हिमालय स्थित होने के कारण यहाँ पर ज़्यादातर ठंडा रहता है, और इसी कारण यहाँ की जलवायु जो है, जैसे टुंड्रा प्रदेशों में यानी जैसे यूरोप के ठंडे प्रदेशों में या देशों में जैसे जलवायु पाया जाता है, उसी तरह का यहाँ भी जलवायु पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है टुंड्रा तुल्य, यानी जैसे टुंड्रा प्रदेशों में जलवायु है उसी के प्रकार जो है जलवायु पाया जाता है, ठीक है। टुंड्रा तुल्य जलवायु में क्या होता है, यहाँ पे तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम तक पाया जाता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम तापमान वाले जलवायु को हम क्या बोलते हैं, टुंड्रा तुल्य जलवायु, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, आपका लद्दाख आएगा, जम्मू कश्मीर आएगा और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र आएंगे, थोड़ा बहुत जो एरिया है आपके उत्तराखंड का भी आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करें उत्तराखंड वाला, ये जो इलाका है उत्तराखंड नेपाल देशों से लेकर के ये सिक्किम तक यह फैला हुआ है, और इस ये जो जलवायु है इस तरह का यहाँ पर जो जलवायु पाया जाता है वह जलवायु पाया जाता है ईटी। ईटी का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ ध्रुवीय यहाँ टुंड्रा नहीं होना चाहिए था, यहाँ ध्रुवीय होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ध्रुवीय, ठीक है। यानी जैसे ध्रुवों पर जलवायु पाई जाती है, ठीक है, ध्रुवों का मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के आसपास के जो देशों में जलवायु पाई जाती है उस तरह की जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं टुंड्रा, टी का मतलब होता है टुंड्रा, तो टुंड्रा तुल्य जलवायु, ठीक। तो ये वाला जो क्षेत्र है उत्तराखंड और सिक्किम का, तो उत्तराखंड और सिक्किम का जो ये क्षेत्र है, और नेपाल भी इस देश में आ जाता है, और यहाँ की जलवायु 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो है एक औसत तापमान रहता है पूरे वर्ष का। इस तरह से यहाँ पे किस तरह की जलवायु है, तो टुंड्रा तुल्य जलवायु देखने को मिलती है। बाकी अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्तरी असम से लेकर के, तो लगभग ये जो जलवायु है, ठीक, तो इसे हम बोलते हैं DFC, ठीक। सभी का भी अक्षर का भी हम मतलब समझेंगे, तो DFC का मतलब है लघु शुष्क ग्रीष्म ऋतु। यानी यहाँ पे जो ग्रीष्म काल होता है तो बहुत लघु समय के लिए आता है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जो गर्मी का महीना होता है वो लॉन्ग टाइम होता है, यानी 4 से 5 महीना हम समझ सकते हैं कि एक गर्मी का महीना होता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी असम और थोड़ा दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला एरिया है, यहाँ पे DFC यानी लघु शुष्क ग्रीष्म ऋतु, तो यानी यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु जो होता है वह लघु होता है, यानी 2.5 से 3 महीने की जो ऋतु होती है वह ग्रीष्म वाली होती है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है। तो लघु शुष्क ग्रीष्म ऋतु, आर्द्र शीत जलवायु, आर्द्र शीत जलवायु। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, ग्रीष्मकाल लघु होता है और आर्द्र शीत ऋतु रहता है,
ठीक है। तो आर्द्र शीत ऋतु जलवायु पाई जाती है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी असम और थोड़ा बहुत भाग जो है दार्जिलिंग वाला जो पश्चिम बंगाल का लगता है, ठीक है। फिर अगर इधर की अगर हम बात करें तो ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं बी, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, बी डब्लू एच डब्लू। तो बी डब्लू एच डब्लू का मतलब क्या हो गया? तो आर्द्र मरुस्थलीय जलवायु। तो यहाँ पे चूंकि मरुस्थल ज़्यादा है तो इसलिए इसको हम बोलते हैं आर्द्र मरुस्थलीय जलवायु, ठीक। तो आर्द्र मरुस्थलीय जलवायु, तो ये वाला जो बेल्ट है, ठीक, ये वाला जो बेल्ट है, इस वाले बेल्ट में कैसा है? तो पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात का ये वाला एरिया थोड़ा बहुत भाग आ जाता है और यहाँ पंजाब का थोड़ा सा दक्षिणी वाला भाग भी आ जाता है। तो दक्षिणी पंजाब, राजस्थान का पश्चिमी वाला भाग और गुजरात का उत्तरी वाला भाग, यह कैसा है? आर्द्र मरुस्थलीय जलवायु, जिसे हम बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें तो थोड़ा बहुत बात भाग जो है पंजाब का और ये वाला जो एरिया है, यह स्टेपी प्रकार की जलवायु। कैसी जलवायु है? तो स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, स्टेपी जलवायु। तो ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, जो कि गुजरात, राजस्थान यानी मध्य राजस्थान से लेकर के पूरा ये दक्षिणी पंजाब तक यह फैला हुआ है, जिसे हम स्टेपी प्रकार की जलवायु बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम इंडिकेट करते हैं, तो किससे इंडिकेट करते हैं? तो बी एस एच डब्ल्यू, क्या करते हैं? बी एस एच डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। तो ये दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, हरियाणा का थोड़ा सा भाग जो पूर्व पश्चिमी वाला भाग है, मध्य राजस्थान और उत्तरी गुजरात के कुछ हिस्से जो है देखने को मिलते हैं, जो कि स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी यहाँ पर जो घास पाई जाती है वह जैसे यूरोप में स्टेपी प्रकार के घास पाए जाते हैं, तो सेम वैसे यहाँ भी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर कैसी जलवायु है? स्टेपी जलवायु है। फिर बात करें तो यहाँ पर ये जो जलवायु आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक, अब ये पूरा असम, नागालैंड, मणिपुर, उत्तरी मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान का ये वाला एरिया जो आप यहाँ तक का एरिया देख पा रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, ये इन सब को हम बोलते हैं सी डब्ल्यू जी। और सी डब्ल्यू जी का मतलब होता है शुष्क ग्रीष्म, शुष्क ग्रीष्म एवं आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, ठीक है। जी का मतलब यहाँ पे गंगा होता है, आप ये भी कह सकते हैं गंगा के आसपास का जो क्षेत्र है, जो रीजन है, क्योंकि हमारी गंगा उत्तराखंड से निकलती है, तो इसके आसपास के जितने भी ज़िले हैं या राज्य हैं, ठीक, तो इस तरह की, किस तरह की जलवायु है? सी डब्ल्यू जी। सी डब्ल्यू जी का मतलब गंगा, वी का मतलब विंटर और सी यहाँ पे क्या है? तो ये टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। जो सभी कैपिटल लेटर में पहले वर्ड लिखे होते हैं वो टेम्परेचर को इंडिकेट करते हैं। इस अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें कौन कौन से राज्य हो गया? तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान ये वाला एरिया हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, थोड़ा बहुत गुजरात भी आ गया, ठीक है, गुजरात आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम के उत्तरी वाले हिस्से ये आ जाते हैं जो सी डब्ल्यू जी में आते हैं, क्लियर। फिर हम लोग आगे बात करते हैं तो लगभग जो है गोवा से लेकर के पूरा तमिलनाडु तक जो यह एरिया फैला है, ठीक है, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं ए एम डब्ल्यू, ठीक। ए एम डब्ल्यू का मतलब क्या है? तो ए एम डब्ल्यू का मतलब हो गया
अर्ध शुष्क ग्रीष्म ऋतु मानसूनी जलवायु जलवायु ठीक। तो अर्ध शुष्क ग्रीष्म ऋतु मानसूनी जलवायु, और ये गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का ज़्यादातर हिस्सा और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश का। तो ये वाला जो एरिया है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरह की जलवायु है। तो अर्ध शुष्क ग्रीष्म ऋतु मानसूनी जलवायु, जिसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, AMW से ठीक। फिर यहाँ पे ये जो एरिया है कुछ इस तरह से, तो ये वाला जो एरिया है इसको भी हम बोलते हैं स्टेपी जलवायु। कैसी जलवायु? स्टेपी प्रकार की जलवायु, जिसे हम किससे इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बार इंडिकेट किया है, इसको हम इंडिकेट करते हैं BSHW। क्या करते हैं? BSHW, यानी यहाँ पे स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है ठीक। अब बाकी जो हिस्सा यहाँ से आप गुजरात और ये थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अब यहाँ से यहाँ तक ये जो आप पूरा एरिया देख पा रहे हैं, इस जलवायु को हम बोलते हैं यहाँ पे ठीक। तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ से कट करके तो इस जलवायु को हम बोलते हैं AW, मतलब तो AW का मतलब यहाँ हो गया उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। तो जैसे अफ्रीका में सवाना जलवायु पाया जाता है, उसी तरह की यहाँ भी जलवायु देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ? तो ये गुजरात वाला एरिया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा ठीक, ये सभी एरिया में कैसा है? उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। अच्छा, यहाँ भी है थोड़ा सा, ये जो त्रिपुरा है, मिजोरम है, यहाँ पर भी AW यानी उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु प्रकार की जलवायु पाई जाती है ठीक। अब ये वाला जो भाग है यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो कि थोड़ा बहुत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यों तक यह फैली हुई है, इसको हम बोलते हैं AS। क्या बोलते हैं? AS। और AS का मतलब होता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, सूक्ष्म ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र शीत ऋतु जलवायु। तो यहाँ पर किस तरह की जलवायु पाई जाती है? शुष्क ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र शीत ऋतु जलवायु प्रकार की जलवायु जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखो कितने हो गए, 1, 2, 3 CWG, 4 ठीक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। स्टेपी दो जगह है तो इसको आप दो बार नहीं गिनेंगे, एक यहाँ पर भी स्टेपी जलवायु जो है यहाँ पंजाब, राजस्थान, गुजरात के अलावा स्टेपी जलवायु कर्नाटक, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों में देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से कुल कितनी जलवायु हो गए, 9 वर्गों में हमने बांटा ठीक है। कहाँ कौन सा क्षेत्र है मैंने आपको यह भी बताया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो ये 9 प्रकार के जलवायु कोपेन ने बताया है कौन सा कहाँ क्षेत्र आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे संबंधित जो है राज्य पूछ लेता है कि यहाँ पर किस तरह के कोपेन ने किस तरह की जलवायु का वर्णन किया है, और आंसर में ऑप्शन में इसी तरह से देता है BWHW BSHW ठीक है। जैसे हाल ही में उत्तर प्रदेश, अभी PCS हाल ही में, उत्तर प्रदेश PCS में नहीं, UPSC में अभी पूछा गया CWG वाला जो क्षेत्र है ठीक है, तो इसमें पूछा था कि CWG जो है क्षेत्र है, जो जलवायु पाई जाती है वह कौन सा क्षेत्र है, तो उसमें ऑप्शन में था गंगा का क्षेत्रीय भाग। तो गंगा जहाँ बहती है, तो गंगा जो क्षेत्रीय भाग है, जो आसपास के ज़िले हैं और जो इसकी
नदी सहायक नदियां हैं, तो उसके आसपास की जो सहायक नदियों का जो विस्तार है वही है गंगा क्षेत्र। और यह कैसी जलवायु है, CWG प्रकार की जलवायु देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कुछ लेटर्स हैं उसके बारे में हम बात कर देते हैं। जो कैपिटल लेटर के A, B, C, D और E हैं, ये इंडिकेट करते हैं टेम्परेचर को, ताप को, यानी उस क्षेत्र का, किसी क्षेत्र का जो है ताप को जो है इंडिकेट करते हैं। अगर ई लिखा है तो ई का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान। 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान जहाँ रहता है तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। जैसे यहाँ पर है तो लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में जो है आसपास के क्षेत्रों में 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे चला जाता है, तो ई इंडिकेट किया जाता है। और डी की अगर हम बात करें तो यह जो आपका तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास का जो तापमान रहता है, इसके बीच का जो तापमान रहता है, तो वह डी से इंडिकेट करते हैं। जैसे आपके अरुणाचल प्रदेश में है, तो उत्तरी असम में है, दार्जिलिंग वाले एरिया में, तो वहाँ जो पहला लेटर है आप देख पा रहे हैं किससे इंडिकेट किया गया है, डी से। ठीक है, अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, अच्छा ये 0 से 10 के बीच में होना चाहिए, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ई यहाँ भी है और ई आपका यहाँ भी है, तो उत्तराखंड वाले में जो तापमान रहता है वो औसत तापमान 0 से 10 के बीच में रहता है, जबकि लद्दाख वाले क्षेत्र में कहीं कहीं 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान चला जाता है। ठीक, अब बाकी जो सी वाला क्षेत्र है, यहाँ का जो औसत तापमान रहता है वह 30 से औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के पास। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो औसत तापमान रहता है, तो एक तरह हम मान सकते हैं कि 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और बाकी जो ये बी वाला एरिया है, तो यहाँ पे तापमान थोड़ा और ज़्यादा, यानी औसत तापमान जो है लगभग जो है 35 डिग्री सेल्सियस या 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको थोड़ा और कम कर लो तो 20 से आप 30 मान लो, और 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये रहता है। और ये जो फिर ए वाला तापमान है, तो यह लगभग जो औसत तापमान है पूरे साल का, तो औसत तापमान लगभग जो है 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो यहाँ पे जो है तापमान ज़्यादा रहता है, जहाँ पे आपका ए लिखा है तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। तो ज़्यादातर जो तटीय वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे गर्मी जो है समुद्र होने के कारण, हिंद महासागर फैला, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब की खाड़ी, तो यहाँ पर जो चूँकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हमारा भारत स्थित है, तो जो भूमध्य रेखा के पास वाला जो सागर होता है, जो महासागर होता है, उसका पानी गर्म रहता है और यह 28 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, जिसके कारण जो तापमान रहता है इतना रहता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये जो W वर्ड लिखा है, तो इसका मतलब होता है विंटर, यानी आर्द्र शीत ऋतु। W का मतलब क्या है, तो W का मतलब है आर्द्र शीत ऋतु। ठीक, तो आर्द्र शीत ऋतु इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे W का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब जैसे यहाँ पे S कहीं इंडिकेट किया गया है, AS, तो S का मतलब होता है समर। समर का मतलब होता है कि यहाँ पे जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु होगा, तो जो ऋतु होगा वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु। यहाँ पे जो W इंडिकेट किया गया है, या मरुस्थल भूमि के लिए इंडिकेट किया गया है, तो यहाँ पे जो मौसम पाया जाएगा वो मरुस्थलीय प्रकार का जलवायु पाया जाएगा। और H का मतलब यह होता है शुष्क एवं आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, शुष्क एवं आर्द्र, यानी जो मौसम रहेगा यहाँ पे शुष्क और आर्द्र जो है गर्मी रहती है या ग्रीष्म ऋतु रहती है, तो इस तरह के एच से हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, टी का मतलब हो गया टुंड्रा, मैंने आपको पहले भी बता दिया। जी का मतलब गंगा, डब्लू का मतलब यहाँ पे विंटर, और सी क्या है, तापमान इंडिकेट करता है, जो कि कुछ इस तरह से तापमान देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझा कि कोपेन के अनुसार जो है भारतीय जलवायु को कुल कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 9 भागों में बांटा गया है। कौन किस क्षेत्र में आता है, किसका क्या मतलब होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट जो है क्वेश्चन कभी कभी ये शॉर्ट में इसी तरह से लिखते हैं और इनका मतलब पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।